Okay. All good there? Am I audible? Am I audible? Yes, Yes, no, yes, sir. no. Okay. कौन कौन नहीं आया? ओम ओम हैव यू कम? ओम मिस्त्री, ओम 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 इज नॉट एंटर्ड. त्रिशा इज देयर? जीतू, अफीफ, माज, विधि, Yes, तो बोलना. ओके okay. मुझे बताओ मैंने लास्ट कौन सा किया था एमसीक्यू लास्ट? 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 26. मैंने लास्ट कौन सा किया था इफ यू कैन रिकॉलेक्ट? ट्वेल्थ एमसीक्यू ट्वेल्थ हो गया था ना? ट्वेल्थ हो गया था. आई थिंक लॉट ऑफ प्रॉब्लम. ओके 14 पढ़ो मास. 14 पढ़ो. 14 The resistivity of nichrome is 10 raised to minus 6 ohm meter. The wire of this material has a radius of 0.1 millimeter with resistance 100 ohm. Then the length will be. एनीबॉडी कैन टेल मी इसके सिंबल क्या है रेजिस्टिविटी का? रो. सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी रो. रो दैट्स राइट. एनीबॉडी नोज द फार्मूला फॉर आर रो एल एंड आर का फार्मूला क्या है? आर का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ रो टेल मी लाउडली. या आर का फार्मूला क्या है? रेजिस्टेंस equal to rho into what? Length upon area. That's right. Lovely answer. Tell me, area ke badle agar radius diya to kya likhu? What should I write instead of r area? Pi r square. Pi r square. All right. And they want length. So for tell me length ka formula kya hoga? Pi r square into resistance upon resistivity. पॉइंट वन मिलीमीटर नहीं चलेगा क्योंकि ये मीटर में है तो इसको मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. हाउ टू कन्वर्ट वन मिलीमीटर एज मीटर? वन मिलीमीटर इज हाउ मेनी मीटर? वन मिलीमीटर इज हाउ मेनी मीटर? वन मिलीमीटर इज हाउ मेनी मीटर? ऋषा, हेमंत, हेमंत, जितू, माज, विधि, कोई भी बोलो. वन मिलीमीटर इज हाउ मेनी मीटर? -3 meter. Therefore, 0.1 millimeter will be 0.1 × 10⁻³ meter. That is 10⁻⁴ meter. So pi r square यानी 10⁻⁴ का square. क्योंकि 0.1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा. इस साइड पे लिखना है रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम और रेजिस्टिविटी कितना है 10⁻⁶. सो दिस विल बिकम पाई इनटू 10⁻⁸. दिस विल बी 10⁻² और ये 10⁻⁶ ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम 10⁻⁶. सो दिस विल बी 10⁻⁶, 10⁻² 10⁻⁸. दिस विल बी 10⁻⁸. दैट इज 3.14 मीटर. ये आंसर है क्या? Yes, 3.142 meter. ठीक है. एक बार फिर से रूलर मार दूं? रूलर मारूं क्या? सबसे yes, मेन पार्ट वाज टू कन्वर्ट मिलीमीटर टू मीटर. देखो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए. एरिया नहीं दिया, रेडियस दिया था. आई हैव रिटन पाई आर स्क्वायर. लेंथ पूछा था तो लेंथ विल बी आर इनटू पाई आर स्क्वायर अपॉन रो. पाई एल इट इज आर वाज 0.1 मिलीमीटर. Is 0.1 × 10⁻³, that is 10⁻⁴. 10⁻⁴ का स्क्वायर. रेजिस्टेंस वाज 100 ओम. रेजिस्टिविटी वाज 10⁻⁶. तो पाई इनटू 10⁻⁶.
100 and 10 is to 2. 10 is to 6 minus 6. Upar jagah lo 10 is to 2. 10 is to 6 into 10 is to 2 is 10 is to 8. 10 is to 8 into 10 is to minus 8 is 1. So pi. Pi meter is 3.142 meter. Copy this down. कॉपी किया सभी ने? क्या कॉपी किया सभी ने? बोलो बच्चे लोग. नो सर. यस. ओके कॉपी कर लो. ओके हो गया कॉपी? क्या अभी भी बाकी है? यस सर. ओके नाउ गो टू 15 गिव टू अस. Given a current carrying wire of non-uniform cross section, which of the following is constant throughout the length of the wire? It is answer likho current. Current only. D is the answer. Next follow. 16. A rheostat is used. ये है ना तो इसका डिटेल बाद में आएगा. अभी फिलहाल रिजल्ट इज बी. बी आंसर पढ़ो जरा. रियोस्टेट दिखा ना काला एक होता है फिजिक्स लैब में. पढ़ो आंसर पढ़ो बी. To continuously change the resistance in any arbitrary manner of and thereby alter the current. That's right. और नंबर 17 पढ़ो. You are given four bulbs of 25 volt, 40 volt, 60 volt, and 100 volt of power, all operating at 230 volt. Which of them has the lowest resistance? 25 watt, 40 watt, 60 watt, and 100 volt. Which one has the lowest resistance? आर मिनिमम किसका होगा? आर वन का होगा, टू का, थ्री का, फोर का, वो पूछा है लोगों ने. और वो लोग ने बोला है ऑल ऑपरेटिंग एट कॉन्स्टेंट वोल्टेज. वोल्टेज सबका सेम है फॉर ऑल फोर. अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए इक्वल टू 25 अपॉन बी. सपोज देयर इज अ क्वांटिटी ए इक्वल टू 25 अपॉन बी. 25 कॉन्स्टेंट है, B चेंज हो सकते हैं. नहीं नहीं, A कम से कम कब होगा? जब B क्या होगा, ज्यादा या कम? For A to be minimum. Tell me what should happen to B? The B should be also minimum. Very bad answer. A and B, can you see the inversely proportional? ये बढ़ेगा तो ये कम होएगा, ये कम होएगा तो ये बढ़ेगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन बोला था आंसर? Who had given this answer बेटा? कोई बात नहीं. I will explain. आवाज किसकी थी? अफीफ. देखो ना बेटा. Understood. Sorry sir. Right. For A to be minimum, B should be maximum. क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ये सिंपल लॉजिक ध्यान में रखो. All right. अब हम अपने प्रॉब्लम की ओर आते हैं. देखो यहाँ पे चार बल्ब दिए हैं, 25 वाट, 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट. इसका पावर सबसे ज्यादा है और ये चारों कांस्टेंट वोल्टेज पे काम करते हैं, 230 वोल्टेज पे. वो लोग पूछते हैं किसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा. मुझे पावर का फॉर्मूला क्या बताओ इन टर्म्स ऑफ वी एंड आर. सपोज याद नहीं आपको तो पावर का वी आई याद है. आई इज वॉट वी अपॉन आर. तो ये पावर का फॉर्मूला आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर. इज दिस राइट? कभी भूल जाओ तो वी आई खाली एक फॉर्मूला तो कम से कम याद रखो. वी इंटू आई इज पावर. तो आई के बदले मैंने लिखा वी अपॉन आर यूजिंग ओम्स लॉ. तो वी स्क्वायर अपॉन आर. बट वी इज कॉन्स्टेंट. सिंस वी इज कॉन्स्टेंट क्योंकि 230 है. देयरफॉर टेल मी व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पावर विद आर.
पावर रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या डायरेक्टली और इनवर्सली? पावर और रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस और पावर का रिलेशन क्या है? इनवर्सली, क्योंकि आर इधर जाएगा तो पी इधर आएगा, देयरफॉर टी में आर कम होने के लिए फॉर आर टू बी मिनिमम व्हाट शुड राइट नेक्स्ट लाइन बोलो क्या लिखो नेक्स्ट लाइन एनीबॉडी पावर शुड बी मैक्सिमम दैट इज राइट पी शुड बी मैक्सिमम मैक्सिमम पी किसका है चारों में मैक्सिमम पी किसका है सर फोर्थ 100 वाट 400 वाट आर 4 इज मिनिमम डायरेक्टली इनवर्स ये सब देखना पड़ेगा आपको बहुत ईजी समझ समझ के 19 को वेरी 18 के बाद मैंने 19 भी लिखा हाँ 18 है 19 भी लिखा लो चलो 19 में भी थोड़ा है ना डिफिकल्ट थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है 18 19 20 ये कॉपी करूँ कि एक बार और रूलर मारूं एक बार रूलर मारूं कि समझ गए हो प्लीज टेल मी प्रिशा विधि माज ओम जीतू ओके तो अभी हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला कौन सा ये कौन सा था ये था ओके ये था 17 नौ ये 17 मैंने बढ़िया ही था 18 पढ़ो Masses of three pieces of wire made of the same metal are in the ratio 1:3:5 and their length are in the ratio 5:3:1. The ratios of their resistance are. Okay, Masses of three pieces of wire made of the same metal are in the ratio सेम है और डेंसिटी भी सेम है रो एंड डेंसिटी क्योंकि मटेरियल चेंज होगा तो ही रेजिस्टिविटी चेंज होगी और ध्यान रखना सेम मटेरियल का मतलब रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड डेंसिटी ऑफ द मटेरियल कॉपर की डेंसिटी विल रिमेन सेम आप बोलेंगे सर डेंसिटी आपने क्यों यूज किया यू टेल मी व्हाई डेंसिटी यानी डी अगर ना मुझे रेजिस्टेंस पूछा है रेजिस्टेंस कैसे करूं आखिर करूं तो मैं क्या करूं ओके एक एक करके देखो पहले प्रॉब्लम समझ लो तीन वायर है तीनों का मटेरियल सेम है यानी कि उनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और डेंसिटी कांस्टेंट है मास का रेशियो है 1:3:5 मतलब क्या पहला 1 किलो का तो दूसरा 3 किलो का तीसरा वाला 5 किलो का मतलब सबसे भारी वाला पर और लेंथ पहली वाली 5 मीटर दूसरी वाली 3 मीटर तीसरी वाली 1 मीटर जो भारी है वो सबसे छोटा है तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग इज दिस क्लियर इज द प्रॉब्लम क्लियर बच्चे लोग बोलो यस सर ओके नाउ मुझे बताओ क्या रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ये हमारे पास है रो एल अपॉन ए मार्क दिस प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट रो एल अपॉन ए मालूम है बट रो इज कॉन्स्टेंट बिकॉज मटेरियल सेम Therefore, R is proportional to L upon A. Since rho is constant, what is rho means? Rho का मतलब क्या? That is right. हाँ? अब मुझे देखो area का तो रेशियो ही नहीं दिया है. Area के बारे में कुछ बताया ही नहीं. Length के बारे में बताया मेरे को 5, 3, 8. लेकिन area के बदले उसने mass तो दिया है कम से कम. तो tell me mass का formula क्या है? In terms of density and volume. Anybody? Mass equal to what into what? अरे mass density का formula क्या है? Density is what upon what? Density is the mass. Mass upon volume. Mass upon volume. तो mass will be what? Density into volume. ये सुना है कि first time सुन रहे हो? अगर नहीं सुना है तो take it as the result. Density is always mass upon volume. Therefore mass will be density into volume. All right. तो मास के बदले में क्या लिखूं
डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसमें कांस्टेंट क्या है मुझे बताओ, क्या तीनों वायर सेम मटेरियल के हैं तो क्या सेम रहेगा? तीनों वायर सेम मेटल मटेरियल के बने तो क्या सेम रहेगा? डेंसिटी। देयरफॉर मास प्रोपोर्शनल टू क्या लिखूं? कांस्टेंट को भगा दो, मास प्रोपोर्शनल टू क्या लिखूं? सर वॉल्यूम। वॉल्यूम, बट वॉल्यूम का रिलेशन एरिया ऑफ लेंस क्या है? कैन आई से इट इज नथिंग बट एरिया इनटू लेंथ? मास इज नथिंग बट व्हाट? एरिया इनटू मास इज प्रोपोर्शनल बिकॉज वॉल्यूम इक्वल टू ए इनटू एल। ये मालूम है कि नहीं मालूम है? प्लीज आस्क मी। ये मैथ्स क्या है? मेंसुरेशन चैप्टर ऑफ योर 10th स्टैंडर्ड। मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू लेंथ। इज दिस क्लियर और नॉट? हाँ या ना? यस सर। ओके, देयरफॉर टेल मी, मुझे एरिया में इंटरेस्ट है। इसको सपोज इक्वेशन 1 बोल के आगे चलता हूं। देयरफॉर एरिया प्रोपोर्शनल टू व्हाट अपॉन व्हाट? एरिया प्रोपोर्शनल टू, बोलो, एरिया प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बोलो ना यार प्लीज। लेंथ अपॉन एज। हां, इधर से, इधर से बेटा, जी तो इधर से। मास प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू लेंथ। एरिया प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टू मास अपॉन लेंथ। दैट इज राइट। दिस इज सपोज इक्वेशन 2, तो वी सब्स्टिट्यूट 2 इन 1। इसके बाद यहां पे जा रहा हूं। And therefore R proportional to area के बदले क्या लिखूं? Area के बदले लिखता हूं M upon L. M upon L. Therefore proportional to L square upon M. And therefore R1 is to R2 is to R3 equal to L1 square upon M1 is to L2 square upon M2 is to L3 square upon M3। इसका मैं है ना चेंज करके एमसीक्यू देने वाला हूँ। ये प्रॉब्लम में वो L3 5 के बदले मैं R लिख दूंगा और मास पूछूंगा, कुछ भी उल्टा सीधा करूंगा। दिस यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली? L1 square यानी 5 square upon M1 कितना है 1 is to L2 square यानी 3 square upon 3, then L3 square is 1 square upon M, that is 5। कुछ गड़बड़ किया मैंने। L1 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर और ये तो दिस विल बी व्हाट 25 इस टू 3 इस टू 1 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 थ्रू आउट। तो ये क्या आएगा? 25 पंजे 125 15 और 1, ये सही है आंसर। 125 to 15 is to 1. That's the answer. That's the answer. Okay, understand? एक बार फिर से आपके सामने पहले कॉपी कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार रूलर मारता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको चेंजेस कर करके है ना, कभी आर दूंगा, एम पूछूंगा, एल दूंगा और एम और आर दूंगा और एल पूछूंगा, कोई भी दो चीज दूंगा, थर्ड पूछूंगा, ऐसे करके आपके अंदर चेंजेस लाऊंगा। इनफैक्ट ये कर ही डालो ना। सपोज प्रॉब्लम होमवर्क यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, पहला रेड में लिख रहा हूं, 2:3:4 और रेजिस्टेंस दिया है 5:3:2 और ये पूछा है हमको व्हाट आर द रेशियो ऑफ लेंथ। चलो ये करके करो होमवर्क। पहला मास विल बी इन द रेशियो 2:3:4, रेजिस्टेंस आर इन द रेशियो 5:3:2, तो व्हाट मस्ट बी लेंथ रेशियो? दिस इज सेम। एक होमवर्क ये लिखो, और दूसरा होमवर्क और देता हूं, ये आज की आज करना है मेरे को, तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी। ये है सपोज 5:2:3 और ये है 1:2:4, तो ये पूछे मास का रेशियो क्या होगा। चलो ये करो, करो दो होमवर्क दिया है मैंने, लाल वाला ढूंढना है और बल में ये ढूंढना है। प्लीज टेक इट एज, और ये सेम है, सेम फॉर बोथ होमवर्क्स।
ट्रीटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, क्योंकि एक बार ये आ गया ना कैसे प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये सब करना, तो थिंग्स विल बिकम इजी। नहीं तो रट्टा तो मार नहीं सकते हो, इसको रट्टा मार के यू कैन नॉट अप्लाई एवरीवेयर, सेम प्रॉब्लम तो आने वाला नहीं है, वैल्यूज चेंज होगी, सिचुएशन चेंज होगी। कॉपी किया और जगह छोड़ो, वहीं की वहीं जगह छोड़ो, और मेरे को 12:40 बिफोर 1:30 मेरे पास आंसर आने चाहिए काम किया हुआ आपका। मैं भी फोटो खींच लेता हूँ मेरे दूसरे फोन में, सो दैट आई रिमेम्बर व्हाट प्रॉब्लम आई हैड गिवन एज होमवर्क। यस, आपने कॉपी किया होमवर्क, जगह भी छोड़ो, मार्क दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी लर्निंग जिससे कि आगे आपका काम आसान हो जाएगा। एक बार ऐसी प्रोपोर्शनल करना आ जाएगा, कुछ फॉर्मूले अप्लाई करना आएगा, आगे यू विल बिकम मास्टर ऑफ दिस JEE नीट CET एवरीथिंग। मिटा दो इसको, अरे पहले एक बार रूलर मार देता हूँ, देखो ये ब्लैक वाला देखना, मासेस ऑफ 3 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल Alright, were given in the ratio 1:3:5. Lengths were given in the ratio 5:3:1. What must be the ratio of resistances? Or four options there. Now, R is rho L upon A. Same material hai, specific resistance or density same hoti hai, dhyan rakhna. So R is proportional to L upon A. Equation number one. Now, mass equal to what? Density into volume. Therefore, mass is proportional to what? Volume. What is volume? Volume is area into length. What is area? Area proportional to M upon L. Ye M upon L yahan rakha. So therefore, R proportional to L. Area ke badle M upon L rakha, so it will become L square upon M. R1 is to R2 is to R3 will be L1 square upon M1. Ye. L1, 5. So 5 ka square. M1, 1. So 5 ka square upon 1. L2, 3 ka square upon 3. L3, 3 ka square upon 5. Yeah, 25:3:1/5. ऐसा कोई आंसर ही नहीं था। इसको 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया? सबको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। तो 25 × 5 = 125, 3×5 = 15, 1 × 1/5 × 5 = 1. तो ये आंसर मिला, दैट आंसर वाज डी। एक बार और रिपीट करूं कि समझ गए हो? ऐसा दो होमवर्क लेना है आपको। पहले मैं आपको मास और आर दिया, लेंथ का रेशियो पूछा है। दूसरे में आपको लेंथ और रेजिस्टेंस दिया है, मास का रेशियो पूछा है। Is that clear? Oh, hey. Yes, sir. Everybody has to do. नहीं आएगा चलेगा, but try. जितना try करोगे, mistake करोगे, you will learn. मैं फिर help करूंगा क्या क्या mistake थी. लेकिन आप करोगे ही नहीं कुछ भी, तो you will never become a good student. कोई सीख के नहीं आता है, mistake करते हैं, फिर हम सीखते जाते हैं. तो जो नहीं करेगा, जो तो mistake भी नहीं करेगा और कभी सीखेगा भी नहीं. Okay. इसके बाद हम लोग कहते हैं नंबर 20 विल बी रेड बाय नेक्स्ट, नहीं 19 कर लो, चलो 19 मार्क्स रीड करो। A cell of EMF E and internal resistance R is connected across an external resistance R. The PD across R is, देखो ये क्या मतलब है, ये मालूम है इसका मतलब क्या है? Do you know what is the meaning of this? इसका मतलब रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू, मतलब ये हो सकता है 10,000 ओम और ये सिर्फ 1 ओम है, तो वैसा मतलब ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू, वी कैन फॉरगेट अबाउट स्मॉल आर। ऑलराइट, तो उसने पूछा है व्हाट इज पीडी अक्रॉस आर, वी पूछा है, वी का आंसर क्या होगा? टेल मी वन थिंग, डू यू नो ई इक्वल टू वी प्लस, कौन बताएगा जो हमने डिराइव किया था? इसके आगे का पार्ट कौन बताएगा? ई इक्वल टू वी प्लस स्मॉल ई, स्मॉल वी, small v, but small v का formula है? Small v. हाँ, small v right है sir. IR, IA and small r. That is right. That is very much right. And therefore, what is v का formula? E minus IR. Tell me, is that clear? So that is equal to E minus I is what? E upon. ये तो formula हमने किया था ना? Yeah.
R equal to E upon R plus R. Ohm's law. Derivation. W equal to W1 plus W2. You remember this? Yes, sir. Yes, no. But यहाँ पे बहुत बड़ा है. Tell me, suppose आपके पास 1 lakh rupees है. You have got 1 lakh rupees. और मैं उसमें 1 lakh rupees में 1 rupee डाल दूँ. तो अभी क्या बोलेंगे? Do you think which situation will become too much change? आप भी अभी बोलेंगे it is almost lakh rupees only. 1 rupee डालो या 1 rupee निकालो. और समुद्र में से 1 बाल्टी पानी निकाल लिया. और बोलेंगे अभी पानी कम कर दिया हमने. Is that like that? तो similarly, small r, r plus r. This r is so small compared to capital R. We can take it nearly equal to r. ये समुद्र है. समुद्र में से 1 बाल्टी पानी डाला या निकाला, it will not change. It will remain the same because this condition is given by them. So this will become E minus. क्या लिखूं यहाँ पे? Anybody? क्या लिखूं यहाँ पे? बोलो. Bigger. Into smaller. Can I take E common? ये था आंसर आपके सामने. एक बार रूलर मारता हूं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था. देखो इक्वल टू कैपिटल बी प्लस स्मॉल बी एंड टोल्ड बाय हफीज, बट स्मॉल बी वाज आई इनटू स्मॉल आर, बट दे वांट वीक आंसर. तो वी विल बी ई माइनस आई इनटू छोटा आर, बट आई इज नथिंग बट ई अपॉन आर प्लस आर इनटू आर. But R plus R is almost equal to capital R because this R is very small given by them. So E upon R into short R is here common. Here our answer. And that answer is Baba. Answer is baby, baby, Baba, baby. Jo bhi bolna hai, bolo. B is the answer. I hope that's clear to everyone. Bolo, bolo. Bolo, pyare bachcho. बच्चे लोग, एनी डाउट? मैं सिमिलर प्रॉब्लम पे टेस्ट लेने वाला हूं. बी केयरफुल. मिटा दूं कि लिख रहे हो अभी भी? आर यू राइटिंग और ओवर? Are you writing or over? Am I audible? Yes, sir. Finish. तो बोलो ना यार, कोई बोलता नहीं. I don't like it. जिसने finish कर दिया बोलेगा sir I have finished. फिर बाकी बोलेंगे ना, जिसने नहीं लिखा होगा चिल्लाएगा अरे रुको रुको, जो पहले लिख के सीधा बोल दो मैंने copy कर लिया है. Because I do not like people who are silent mode पे. I want everybody on the speaking mode with respect to subject. Okay, now come to 20. Mars 20 padho. The internal resistance of a cells of EMF 2 volt is 0.1 ohm. It is connected to a resistance of 0.9 ohm and the voltage across the cell will be voltage across the cell yani we pucha terminal voltage pucha hai. To mujhe koi batayega concern karu pehle main I nikal lu iske niche kya likhu? I equal to E upon kya likhu? R plus small r. That right. E get that 2 upon 1, that is 2 amperes. Now they want V. V ke liye anybody can tell me what should I do? V plus I into abhi abhi kaise na? So what is V? E. I and what is small r? 0.1, yani 2 minus 0.2, and that is 1.8 volt. Ek bar aur ruler maru ki samajh gaye ho. Dekho, equal to r equal to capital R roll V puchha hai. I equal to E upon R plus R is 2. R plus R is 1 because 0.9 plus 0.1 is 1. So that is 2. E equal to V plus IR. So V equal to E minus IR. E kitna hai don. I kitna hai don. Aur R kitna hai 0.1. So 2 minus 0.1.
And 1.8 is Baba is the answer. Baba is the answer. Come to 21. ये लिख लिया ना मैं कॉपी मिटा रहा हूं. Yes or no? Yes sir, finished. हाँ जो भी लिखे जाना बोल के लिखा है finished. Okay. After 20 we'll do 21, 18, 19, 20. 21 बोलो. The EMF of a cell of negligible internal resistance is 2 volt. It is connected to the series combination of 2 ohm, 3 ohm and 5 ohm resistances. The potential difference across 3 ohm resistance will be. ये करो अपने आप करो चलो ये अभी मैं ऐसा करा चुका हूँ मैं करो बताओ अपने आप चलो अपने आप करो चलो अपने आप करो सब लोग करो फास्ट हाँ यस क्या आंसर आया एनीवन आर यू गेटिंग 0.6 वोल्ट 10 वोल्ट 3 वोल्ट 6 वोल्ट क्या आंसर मिला बोलो अपॉन आर इक्विवेलेंट आर प्लस छोटा दिया है जीरो बोलो जब बोला नेग्लिजिबल फॉर वीबीसी कितने लोग को आया था ये आंसर एनीबडी यू गॉट Anyone who got? Sir, I was using the formula E is equals to I upon R plus R. So I'm getting the... Yeah, I'm R plus R. But R ke badle R equivalent likhna padega na? Total resistance. Yes, sir. So to find the current, I'm getting it as 20 ampere. How? Which one? How? Sir, I will be E into R plus R. I will be equal to what? E into R plus R. Sir, so E is... formula? I equal to E into R plus R. I have never seen this formula. From where you got this? Oh, sorry, sir. By mistake, I is equals to E upon R plus R. Okay, sir. By mistake... When you do on your own, you will come to know what mistakes you can do. And then you will improve. Khali copy karoge, you will never understand what mistake you can do. You will just become a good copy master. Try, every time try on your own. And whenever you are not getting, I am there with you. You can always talk to me. You have my number.
और मेरा दूसरा नंबर भी नोट कर लो 7977036312 ये भी नंबर है मेरा। अगर वो नंबर बिजी है मेरा दूसरा कोई जूम लेक्चर चल रहा है तो आई मे नॉट बी अवेलेबल ऑन दैट नंबर सो दैट टाइम यू कॉल मी दिस नंबर मैसेज मी ऑन दिस नंबर। हाँ बिटा दू इसको एनीबडी अरे जीतू मिला था कि नहीं विधि प्रिशा माज अफीफ ओम क्या इजी प्रॉब्लम था यार आई डिडंट डोंट लाइक दिस। चलो एक होमवर्क दे देता हूँ इसमें भी सपोज दिस इज आठ और जैसे सात और पांच दो वोल्ट के बदले जैसे 20 वोल्ट ये होमवर्क लिखो एंड वी हैव टू फाइंड अक्रॉस सीडी बीसीडी कितना होगा ये भी मेरे को आज भेजना है आपको बिफोर 1:30 ये लेक्चर खत्म होने के बाद सीधा बैठ जाओ ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं देन यू विल बिकम गुड स्टूडेंट। चलो इसके बाद आफ्टर 20, 21 हो गया 22 ये होमवर्क का कॉपी कर लिया होमवर्क कॉपी कर लिया क्या यस सर यस सर ओके देन 2:22 रीड करो मार्क्स। A PD of 20 volt is applied across a conductance of 8 mho. The current in the conductor is 8 mho. Okay, PD of 20 volt. And they want I. कितना अच्छा प्रॉब्लम है C is the answer. Wrong problem hai. Isme correction chahiye. 24th will do later on. 23 also अभी तुम्हारे बस की बात नहीं है क्योंकि just passed your 10th standard increase in length is 0.5% तो percentage increase in resistance will do but later